सॉरी मैडम, गलती से फैल गया, मैं साफ कर देता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? कितनी गंदी तरीके से टच कर रहे हो तुम मुझे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? मैम साहब, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपको पसंद है। मुझे पता है साहब आपको कुछ नहीं कर पाते, एक बारी आप मुझे मौका देके देखिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? बातें सुनते हो तुम हमारी चुप चुप कर? तुम्हें तो मैं आज काम से निकलवा के रहूंगी। हिम्मत कैसे है तुम्हारी ऐसे मेरे से बात करने की? अरे मैम साहब, आप ना गलत समझ रही हो। मैंने आपके रूम के पास से निकल रहा था, तब मैंने आप लोगों की बातें सुनी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। क्या बोलती हो मैडम, मैं आपको खुश कर दूंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। तो मतलब तुम कहना चाहते हो तुम्हारे साहब मुझे खुश नहीं कर पाते, तो तुम मुझे खुश करोगे? हाँ, मैं आपको खुश करूंगा। तो ठीक है फिर, तुम एक काम करो, तुम कमरे में पहुंचो, मैं ये चटनी साफ करके आती। सच में मैम साहब? ठीक है, आप जल्दी आना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। आज तो मैम साहब के बिस्तर पर मैम साहब को ही खुश करूंगा, बस जल्दी से मैम साहब आ जाएं, रहा नहीं जा रहा। मैम साहब आप आ गई, अब जल्दी आ जाइए, रहा नहीं जाता अब। रहा तो अब मुझसे भी नहीं जाता। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज मतलब? अरे सब पता चल जाएगा, पर तुम्हें ना अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है मैम साहब, जो आप बोलोगी वही मैं करूंगा। मैम साहब आंखें खोलूं? सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। ठीक है मैम साहब। मैम साहब आंखें खोलूं अब? हाँ, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अबे ये सब क्या कर रहा था तू मेरी वाइफ के साथ? साहब आप? हाँ मैं, तेरे पे बहुत विश्वास करता था मैं। कितने सालों से तू मेरे घर में काम कर रहा है, तब भी ये हरकत करी तूने? दिव्या ने मुझसे कई बार बोला था कि तेरी उस पे गंदी नजर है, पर मैंने आज तक इसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। शर्म आनी चाहिए तुझे, तू मेरे घर पे 20 साल से काम कर रहा है, मैंने तुझे कभी अपने नौकर की तरह ट्रीट ही नहीं किया, अपने छोटे भाई की तरह माना। जो तुझे चाहिए था वो ला के देता था, जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे देता था, तब भी तूने उन सब चीजों का ये सिला दिया मुझे। साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहब मुझे एक बारी माफ कर दो, आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैम साहब भी अच्छी नहीं है, वो भी तैयार हो गई थी जब मैंने उनसे बोला था। बेटा वो तैयार नहीं हुई थी, उसने ये सब नाटक किया था जिससे कि तेरी सच्चाई सामने आ सके। तू सोच रहा होगा कि मुझे कैसे मालूम पड़ा, अभी बताता हूं। हेलो, मैंने आपसे कहा था ना रामू की गंदी निगाहें मेरे पर, मेरे पास आज सबूत है, आप जल्दी से घर आ जाओ, मैं आपको आपकी आंखों से सारी सच्चाई दिखाऊंगी, पर लेट मत करना। ठीक है। सुन, वो तो मैं इस चीज की लाश कर रहा हूँ कि तू मेरे घर पे 20 साल से काम कर रहा था, वरना कोई और होता ना उसे इतना मारता और पुलिस वाले के हवाले अलग कर देता। निकल जाए यहाँ से। और तू क्या सोच रहा है, ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी? बेटा ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, तेरे बाप को बताऊंगा ही फोन करके कि तूने मेरी वाइफ के साथ क्या किया है, वो बेचारी कितने दिनों से तुझे झेल रही थी। वो तो अच्छा है आज इसने प्लान बना लिया और तेरी सच्चाई सामने आ गई। मैं भी बेवकूफ था, तेरे पे इतना विश्वास करता था, उसे रात रात भर तेरे साथ अकेले छोड़ देता था। निकल जा यहाँ से। आज आप सही वक्त पर आ गए, अगर आज आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते शायद अपने उन घिनौने इरादों में वो कामयाब हो जाता। नहीं नहीं दिव्या, तू थैंक यू मत बोल, आई एम सॉरी कि तूने मुझे इतनी बार इसके बारे में बताने की कोशिश करी, पर मैं तेरी एक बात पे विश्वास नहीं करता था क्योंकि वो मेरे घर का पुराना नौकर था। मुझे माफ कर दियो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, चल चलते हैं।